अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसंभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता का तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा किया था यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल भिषै, फेमस श्लोक। और आज ये भी एक और बहुत श्री प्रभुपाद कोट करते थे कि किस तरह से हमें अन्न की प्राप्ति होती है बॉडी को चलाने के लिए। अन्नाद भवंती भूतानि, भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, एक्चुअली पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि यज्ञ करने से क्या होता है, जो यज्ञ में अर्पित भोजन को खाते हैं अर्थात जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं वो सुरक्षित होते हैं, वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो भगवान को भोग लगाकर नहीं खाते वो पापी खाते हैं, वो पापी हैं सब, है ना। और उससे पिछले श्लोक में बताया था कि वो चोर हैं, और फिर अगले श्लोक में बताया था कि वो पापी हैं। अब भगवान और प्रिंसिपल बता रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर केवल खाने की बात नहीं हो रही, खाना तो भगवान एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पिछले श्लोक में भी और आज वाले श्लोक में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या चल रहा है, सिद्धांत क्या चल रहा है? सिद्धांत चल रहा है कि जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ का एक सिंपल अर्थ जो शास्त्रों में लिखा है, यज्ञो वै विष्णुर, यज्ञ विष्णु को कहते हैं। भगवान विष्णु का भी एक नाम विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु आता है। क्यों? क्योंकि उन भगवान को संतुष्ट यज्ञों के द्वारा ऋषि मुनि अनादिकाल से करते आ रहे हैं, या अपने अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने स्वधर्म के द्वारा उन विष्णु को प्रसन्न करते आ रहे हैं, और उनका स्वधर्म ही यज्ञ है। तो इसलिए विष्णु का एक नाम यज्ञ है, जिनको यज्ञों के द्वारा प्रसन्न किया जाता है, जिनको, है ना, ये इसलिए विष्णु को यज्ञ कहते हैं। लेकिन वैसे यज्ञ के अर्थ मैंने कई बताए थे कल, जैसे यज्ञ एक तो हवन यज्ञ को कहते हैं, एक स्वधर्म अपना पालन करना उसको भी यज्ञ कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो स्वधर्म है। संकीर्तन यज्ञ जो श्री प्रभुपाद अपने यहाँ पर बता रहे हैं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और नगर संकीर्तन करना, और अन्य सभी सेवाएं भी संकीर्तन यज्ञ के अंतर्गत आ जाती हैं, जितनी भी डिवोशनल एक्टिविटीज़ हैं। और अब यहाँ पर देखेंगे कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को अन्नाद भवंती भूतानि, अन्नाद अर्थात अन्न से, भवंती मतलब होते हैं, क्या होते हैं, या श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न से सारे प्राणी अपनी बॉडी चलाते हैं ना, हम जीते तो अन्न से ही हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न से हम सबका पेट भरता है, जीवात्माओं का, और अन्न कहाँ से होता है, पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य कहते हैं वर्षा को, और अन्न होता है वर्षा से, जब बारिश होती है उससे अन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, और बारिश कहाँ से होती है, वर्षा, वर्षा खुशियों का प्रतीक है ना, जब वर्षा होती है तो उससे फिर गेहूं, अनाज, चावल, ये सब कुछ आता है ना, यही असली हीरे मोती हैं, खासकर अब के टाइम में। अगर कोरोना बढ़ गया और मे बी शायद वर्ल्ड वार्स हो गए फ्यूचर में, क्योंकि श्री प्रभुपाद की प्रेडिक्शन थी, नेस्ट्रोडोमस की प्रेडिक्शन थी कि वर्ल्ड वार्स भी हो सकते हैं 2020 से 25 के दौरान, तो ये खाना ही तो हमारे हीरे मोती होंगे, और ये वर्षा से आते हैं, वर्षा अर्थात खुशहालियों से, वर्षा खुशहाली का प्रतीक है, जैसे कहते हैं ना उस पे पैसे की वर्षा हो गई, तो उसी तरह से। तो और फिर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्य, और पर्जन्य अर्थात वर्षा कहाँ से आती है, वर्षा यज्ञ करने से आती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कहाँ से आते हैं, यज्ञ प्रिस्क्राइब ड्यूटी, नियत कर्म करने से यज्ञ आते हैं, या दूसरे शब्दों में नियत कर्म करना ही यज्ञ है। प्रत्येक प्राणी का, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जब वो अपना नियत कर्म करता है तो उसी को ही यज्ञ कहते हैं, जब वो अपना नियत कर्म विष्णु की संतुष्टि के लिए करता है, फल का त्याग करते हुए, उसको कहते हैं नियत कर्म। चाहे फल की इच्छा से भी करे, क्योंकि वर्णाश्रम के अंतर्गत तो फल की इच्छा वाले भी होंगे, लेकिन फल की इच्छा से करेगा विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म तो उससे कर्मबंधन तब भी होगा, लेकिन क्योंकि वो वर्णाश्रम के अंतर्गत रहकर शास्त्रों के दायरे में रह के अपनी इच्छा पूरी कर रहा है शास्त्रों के अनुसार,
तो धीरे और वर्णाश्रम के अंतर्गत रह के कर रहा है, धीरे धीरे उसका शास्त्रों पर श्रद्धा और बढ़ेगी और फिर वो भक्तों का संग करेगा, उसकी धीरे धीरे इच्छा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आजकल के लोग तो वर्णाश्रम के अंतर्गत कुछ सोच ही नहीं रहे ना, किसी को पता ही नहीं अपना स्वधर्म क्या, उसका जो मन करेगा वो अपना विदाउट स्क्रिप्चर्स पढ़े कि शास्त्रों में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, कि अगर ये इच्छा पूरी करनी है तो क्या करना चाहिए, कोई शास्त्र तो आजकल देखता नहीं, ख़त्म ही हो गया सब। तो जो पहले के जो लोग होते थे वो शास्त्रों के द्वारा अपनी इच्छा पूरी करते थे, जैसे अगर अच्छा पति चाहिए तो शिव जी का व्रत रखते थे, ऐसे होता था ना वैदिक काल में, तो वो चीज़ें हैं लेकिन वो आजकल सब उड़ी हुई हैं। तो इस तरह से भगवान इस श्लोक को बता रहे हैं कि अन्न जो है, अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ करने से, यज्ञ कौन करता है, जो अपनी अपनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करते हैं वही यज्ञ है। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को, नियत कर्म को भी यज्ञ कहते हैं, जैसे ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और पठन कर रहा है और पाठन कर रहा है, पढ़ रहा है पढ़ा रहा है, वो सब यज्ञ ही कहलाते हैं, उसकी क्रियाएँ ही यज्ञ हैं, कर्म ही उसकी पूजा है। ये पहले वैदिक काल में जो पॉइंट था ये सही था, आजकल ये गलत सिद्धांत है, कर्म ही पूजा, इसलिए इस सिद्धांत को काटते हैं हम सभी। लेकिन पहले सचमुच कर्म ही पूजा था, क्योंकि विष्णु के आदेशानुसार पेट पाला जाता था। तो यहाँ पर एक्चुअली केवल खाने की बात नहीं चल रही, भगवान खाने का तो एक एग्जांपल ले रहे हैं अन्न का। अल्टीमेटली भगवान इन दोनों श्लोकों में प्रिंसिपल बता रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या चलता है, प्रिंसिपल या अर्थात मतलब सिद्धांत क्या चलता है। सिद्धांत क्या चलता है कि अगर हम यज्ञ करेंगे तो उससे कृपा आएगी, कृपा आएगी तो कर्मबंधन कटेंगे अर्जुन तुम्हारे, इसलिए अभी जो तुम्हारा जो यज्ञ है वो है युद्ध करना, तुम युद्ध करो और उससे तुम्हें कृपा मिलेगी, कृपा मिलेगी, मैं खुश होऊंगा और उससे तुम्हारे फिर पाप कटेंगे, पाप कटेंगे अर्थात तुम्हारा कर्मबंधन कटेगा। तुम्हें लग रहा है कि भीष्म पितामह और इन सब पे तीर चलाने में पाप लगेगा, नहीं, तुम्हारा कर्मबंधन कटेगा क्योंकि तुम मेरे आदेशानुसार चल रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी और तुम आराम से जैसे पानी के ऊपर चल सकते हो उदाहरण के तौर पर, मतलब तुम कर्मों के ऊपर ही पैर रख के कर्म करते करते ही भवसागर पार हो जाओगे, ये सिद्धांत भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसलिए अब ये सिद्धांत आप कहीं पे भी लगा दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्वधर्म कोई कर रहा है, अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो अर्जुन जो युद्ध कर रहा है, युद्ध करना उसका क्या है, वो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी से वो अपना युद्ध कर रहा है अर्थात यज्ञ रूपी युद्ध कर रहा है, उससे फिर भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होंगे तो उसको फिर उसके कर्मबंधन कटेंगे। तो इस तरह से पूरा सिद्धांत ऐसे ही चलता है। श्री प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में ला रहे हैं एग्जांपल कि जिस तरह से एपिडेमिक फैल जाता है, महामारी फैल जाती है, तो उस टाइम पे फिर वैक्सीन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाकर उस एपिडेमिक से हम बच जाते हैं, जो महामारी से बच जाते हैं, उसी तरह से अगर हम भगवान को भोग लगाकर खाते हैं प्रसाद, भगवान का प्रसाद पाते हैं, क्योंकि यहाँ अन्न का ही एग्जाम्पल चल रहा है, अगर हम प्रसाद पाते हैं तो उससे फिर हमारे पाप कटते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं माया से। सिद्धांत यही चलता है, अगर हम यज्ञ करेंगे अर्थात भगवान के लिए कुछ करेंगे, भक्ति मतलब डू समथिंग फॉर कृष्णा, श्री प्रभुपाद भी कहते थे अगर हम भगवान के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन ले लो अन्न की जगह, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो यज्ञ है, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो उससे क्या होगा, उससे भगवान खुश होंगे, भगवान खुश होंगे तो कृपा आएगी, कृपा आएगी तो उससे फिर हमें अपने पापों को काटने की शक्ति मिलेगी, और फिर शक्ति मिलेगी तो उससे हम फिर अपने कर्मबंधन काट पाएंगे, हम सदैव निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करने की हमें शक्ति आ जाएगी, बुद्धि देंगे भगवान की किस तरह से सदैव मेरे बारे में सोचते हुए सेवा करो, अपनी स्वार्थ के बारे में मत सोचो।